the length of the tangent drawn from a point 8 cm away from the center of a circle of radius 6 cm. तो एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, ये वो है, और कह रहा है एक पॉइंट, पॉइंट ए जो कि 8 सेंटीमीटर अवे है. तो ये पॉइंट जैसे 8 सेंटीमीटर दूर है और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. कह रहा है कि इस पॉइंट से, पॉइंट ए से अगर इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, मान लेते हैं ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, पॉइंट बी ए कॉन्टैक्ट है, तो कह रहा है कि ए बी का लेंथ क्या होगा. तो अगर ओ बी को मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, रेडियस होगा, और ओ बी एक परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी से, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल. तो ओ बी दिया हुआ है, ओ बी इक्वल टू दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू रेडियस, और ओ ए दिया हुआ है, ओ ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है, वही हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए. तो ट्रायंगल ए बी ओ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल. तो ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी से. इस केस में पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया. तो ओ ए कितना है, 8 है, तो 8 के स्क्वायर इक्वल टू ओ बी है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी निकालना है. तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 36, ये हो गया 28. तो ए बी इक्वल टू क्या कितना हो गया, अंडर रूट 28 इक्वल टू हो गया 2√7 सेंटीमीटर. तो ए बी कितना हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू कितना गया, 2√7 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका आंसर, दिस इज द आंसर.